अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाय एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हूँ, खैर खैरियत से हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। मैं सुबह उठ गई थी काफ़ी पहले, तो नमाज वगैरह पढ़ लिया था। उसके बाद बाहर खोल के देखा दरवाज़ा, ना इतनी ठंडी थी शदीद, ना मैं फ़ौरन से बंद कर दी। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई, और रात में ना मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं इसीलिए छोड़ दी कि चलो सुबह ही धो लूँगी। लेकिन ज़्यादातर मैं तो रात में ही धो के सो लेती हूँ, सुबह के लिए सहूलियत हो जाती है ना। फिर मैं यहाँ मटर छीलने लगी। अब मटर क्यों छील रही हूँ, क्या हुआ ना, अभी तो टाइम बज रहे हैं 8:30, तो एक कॉल आ गया था मेरे हस्बैंड को ना, कि मतलब एक उनके फ्रेंड आ रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी नाश्ता का टाइम है, वो आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तो उनको तो नाश्ता करवाना ज़रूरी है। तो देखो कुछ है तो बना दो। तो मेरे हस्बैंड कल ही लेकर के आए थे मशरूम भी, और ये मटर भी था, तो मेरे माइंड में ना फ़ौरन से आइडिया आया, तो क्यों ना मैं मटर और मशरूम की सब्ज़ी बना दूँ, और कुछ मीठे में भी बना दूँगी। तो मैंने ना यहाँ पे मटर छील लिए फटाफट से, और सारे मशरूम को कट करके तो अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से धोया। बहुत ही ईजी होता है मटर मशरूम बनाना, फटाफट से बन जाते हैं, कोई भी झंझट होता नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप लोग भी बना सकते हैं। मैंने पहले मशरूम को ना अच्छे से कट कर लिया, जैसे शेप चाहिए था, उसके बाद धो करके अच्छे से इनको ना थोड़े देर 5 मिनट के लिए एटलीस्ट उबालने के लिए उसको चढ़ा दी हूँ। और यहाँ फटाफट से ना मैं जो भी मटर मशरूम में सब्जियाँ वगैरह, मतलब सब्जियाँ पूरी प्याज वगैरह टमाटो वगैरह चॉप कर लिया था फटाफट से। तो यहाँ मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़े से धनिया पत्ती और हरी मिर्च, इन सबको कट कर लिया। अब उसको साइड कर दूँगी रख करके। और मैं मीठे में सोच रही हूँ ना, मेरा मन वैसे भी हो रहा है ना कि चावल का कुछ बनाओ, तो मैं चावल की फिरनी बनाऊँगी। मुझे ना खीर से ज़्यादा पसंद है चावल की फिरनी, तो मैं मीठे में वो बना लूँगी। अभी मैं आटा का डो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट से काम में लगना है। 8 तो बज गया है, अब 1 घंटा समय है ये मेरे पास सब कुछ बनाने के लिए, वो 9 बजे तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना आटा भी लगा लिया है, अभी मैं चावल की फिरनी भी लगे हाथ तैयार कर लूँगी। ये भी बहुत इजी है बनाना, बहुत ही इजी है। मैंने इसको ना 10 मिनट भिगो करके छोड़ दिया था ना, तो ये अच्छे से सोख कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ना चावल ले लिया, और उसके बाद इसमें से कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लूँगी, जैसे काजू हो गए, थोड़े बादाम हो गए, और थोड़े से आलमंड वगैरह लूँगी। इसको ना मैं चावल के साथ ही ब्लेंड कर दूँगी मिक्सर में। इसे ना फिरनी बनाइएगा ना आप लोग, तो बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ये कभी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और इसके साथ ना पानी की जगह पे ना थोड़े से दूध आप लोग ज़रूर शामिल करना, तो उससे बहुत अच्छा ब्लेंड भी होता है, क्रीमी जैसा टेक्सचर आ जाता है ना। तो जब फिरनी खाएंगे चावल की ना, तो लगेगा कि आइसक्रीम जैसा खा रहे हो। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। तो फिर मैंने ना वो तैयार कर लिया मीठे के लिए, और अब मैं सोच रही हूँ कि एक साइड में ना एक बर्नर पे फिरनी चढ़ा देती हूँ, और एक साइड में सब्जी चढ़ा दूँगी, लगे आज दोनों बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मटर मशरूम बनाना बहुत ही ईजी है, मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में उसको बताया है, बट मैं फिर भी अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने एक बर्नर पे ना चढ़ा दिया था दूध उबालने के लिए, और अच्छे से जब दूध उबल जाता है प्रॉपर ना, तब उसके बाद चावल या फिर फिरनी जो भी आप बनाते हो ना, तब ऐड करिएगा, तो अच्छे से बन के तैयार होता है। देखिए मुझे ना खीर उतना पसंद नहीं है, मैं सच ही बताती हूँ, लेकिन मुझे फिरनी काफ़ी अच्छी लगती है, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना प्याज डाल करके, और सिर्फ थोड़े से गरम मसाले डाले तेल में, और 2 अनियन को चॉप करके डाला, उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा। उसके बाद जो बेसिक से किचन में मसाले होते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बस इतना सफिशियंट है, या जीरा पाउडर, इतना डाल करके ना अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया इसमें, उन सबको अच्छे से फ्राई कर लिया। और इधर लगे हाथ फिरनी भी मेरी लगभग बन के रेडी हो गई थी, और इधर मसाले भी भून चुके थे, तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर ऐड कर दिया। आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। तो अभी थोड़े देर ना इसको 2-3 मिनट टमाटर को पकने देंगे, और ना टाइम काफ़ी हो गया था ना, तो मुझे ना चाय पीने का मन हो रहा था। तो सुबह उठी थी ना, तो सुबह से मतलब मैंने चाय वगैरह नहीं पिया था, तो ठंड भी लग रही थी, तो मैं सोची ना कि चलो लगे हाथ खाना बन रहा है ना, नाश्ता बन रहा है, तो लगे हाथ मैं चाय भी इधर पी लूँगी। अब आप लोग कमेंट्स में ये करना मत बैठ जाइएगा कि किचन में कैसे कोई खा पी सकता है। मैं भाई खाती पीती हूँ, खाती तो नहीं हूँ, बट चाय वगैरह मैं पी लेती हूँ, मेरी ये शुरू की आदत है, चाय वगैरह पानी वगैरह मैं किचन में पी लेती हूँ। तो यहाँ चाय भी बन के रेडी हो गया था, और मैंने ना गर्मा गर्म चाय भी पिया, सुबह के टाइम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ उतने देर में ना मशरूम और मटर भुन के तैयार हो गए थे, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लिया,
और थोड़ा सा ऊपर से ना कोरिएंडर और कसूरी मेथी के साथ गार्निश किया था, और बहुत अच्छा स्मेल आता है जब आप कसूरी मेथी ऐड करोगे ना किसी भी रेसिपी में ना, तो मतलब सब्जी वगैरह में ना, सालन वगैरह में बड़े अच्छे खुशबू आते हैं, आप लोग ट्राई करके देखना। तो यहाँ चाय भी मेरी बड़ी अच्छी बनी थी, तो मैं हस्बैंड को ऐसे करके बता रही थी, मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आग सुलगाई हुई थी चूल्हे में ना, ठंड बहुत ज़्यादा की हुई थी, तो मैं अभी ठंड में ये सुबह शाम चूल्हे में लगाती हूँ आग ना, तो इससे अच्छा किचन वगैरह रूम वगैरह अच्छे से गर्म हो जाता है। तो मैं सोची कि ये ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, तो मैं इसी पे ना रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो फिर फटाफट से ना मैं रोटियाँ बनाना इस पर चालू कर दी, बड़े अच्छे से रोटी इस पर बन के रेडी होता है, देख सकते हैं आप लोग एकदम से कितने अच्छे से फूल गए हैं और सॉफ्ट भी बन के तैयार होते हैं। तो उधर मैंने ना गैस पे एक पे मैंने सब्जी चढ़ा दिया, एक पे मैंने फिरनी बना ली, तो फटाफट से दोनों बन के रेडी हो गए, और इधर मैंने ना रोटियाँ भी गरम गरम चूल्हे पे सेक लिया, तो टोटल 3 आइटम हो गए, और साथ में मैंने चाय भी बना लिया था और कुछ नमकीन भी ऐड कर दिया था। तो जैसे वो आ गए थे ना, नाश्ता मैं बना ही रही थी, तो रोटियाँ जैसे मैं सेक रही थी ना, तो वो आ गए थे, तो पहले मैंने उनको ना चाय सर्व कर दिया और साथ में मैंने नमकीन में कुछ दे दिया था ताकि वो थोड़ा बिजी रहे, उतने देर में मैं इधर बना लूँ। तो इधर मैं फूड कलर थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि फिरनी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। आप इस जगह पे ना केसर भी ऐड कर सकते, उससे भी ट्रस्ट में कलर बहुत अच्छा आता है। फिर ऊपर से मैंने ना गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट्स से, तो बस फिरनी भी बन के रेडी हो गया था, नाश्ता भी बन के कम्प्लीट हो गया था, तो टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं इसको अभी सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से प्लेटिंग में मैं सर्व कर रही थी। तो बस सुबह का मेरा आज का ब्रेकफास्ट रहा। अब आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग नहीं करते हो। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।